ओके एवरीबॉडी, देखते हैं पहला सवाल. द मीन ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन इज 16. तो 16 ऑब्जर्वेशन का मीन 16 है, मतलब सम ऑफ सम 16 ऑब्जर्वेशन अपॉन 16 इज 16. मतलब ये सम क्या होगा, 16 इंटू 16 इज 256. उन 16 ऑब्जर्वेशन में से एक ऑब्जर्वेशन खुद 16 को डिलीट किया गया और तीन नई ऑब्जर्वेशन ऐड की गई. तो 16 ऑब्जर्वेशन थी, उसमें से एक डिलीट की तो बची 15, 15 में तीन और ऐड की तो हो गई 18. सो नाउ टोटल ऑब्जर्वेशन आर 18. सम कैसे बदलेगा, पहले सम था 256, राइट? सम वॉज 256 ऑफ द 16 ऑब्जर्वेशन, उसमें से 16 को हटाया तो सम हो गया 256 माइनस 16 और फिर ऐड कर दिया 556. सो प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6 होल अपॉन 18. दिस इज द न्यू मीन. ये आप इवेल्युएट करेंगे, निकल के आता है 14.22, विच डज नॉट मैच विद दिस दिस और दिस, हेंस डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अगर एवरेज ऑफ ए बी सी डी इज सेम एज द एवरेज ऑफ बी एंड सी, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. अब ए बी सी डी का एवरेज क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 4, एंड बी एंड सी का एवरेज क्या होगा, बी प्लस सी बाय 2. दोनों एवरेजेस बराबर हैं. सो 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2d इज 4b प्लस 4c. अब 4b माइनस 2b एंड 4c माइनस 2c, सो यू गेट 2b 2c एंड हियर यू हैव 2a प्लस 2d. सो ट्वाइस ऑफ a प्लस d इज ट्वाइस ऑफ b प्लस c, यू गेट a प्लस d इज इक्वल टू b प्लस c. ओके, द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज कैपिटल m. ओके, द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज कैपिटल m. इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज ऑफ n नंबर्स x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn होल अपॉन n इज कैपिटल m. तो x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn माइनस 1 प्लस xn इज nm. दैट्स इट. और xn को मैं उधर ले जाऊँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस xn. अब मुझे बोला जा रहा है अगर xn को रिप्लेस करके मैंने x डैश रखा तो न्यू मीन क्या बनेगा. xn को रिप्लेस करके x डैश रखोगे तो xn माइनस 1 तक तो वही एंट्रीज होंगी, एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी x डैश xn को हटा के. तो अब भी ये कितनी हो गई, n एंट्रीज. तो एवरेज क्या हो जाएगा, उसका सम होल अपॉन n, ये किसके बराबर हो जाएगा, अब x1 से xn माइनस 1 तक तो सम क्या है, nm माइनस xn प्लस x डैश होल अपॉन n. सो nm माइनस xn प्लस x डैश होल अपॉन n इज योर न्यू एवरेज और न्यू मीन. लेट x1 x2 x3 अप टिल xn बी वैल्यूज टेकन बाय द रैंडम वेरिएबल x एंड y1 y2 y3 बी टेकन बाय वेरिएबल y सच दैट yi इज axi प्लस b. देन वेरियंस के बीच में रिलेशनशिप बताना है बिटवीन x एंड y. अगर yi axi प्लस b के जितना है फॉर ऑल i वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, तो अगर मैं ऐड करूं ओके ए एक्स आई प्लस बी आई गोइंग फ्रॉम 1 टू n, दिस इज वॉट आई विल हैव, डिवाइड बाय n, डिवाइड बाय n. वॉट इज दिस, दिस इज नथिंग बट y बार. एंड वॉट इज दिस, a बार आएगा, बचेगा 1 बाय n समेशन एक्स आई आई गोइंग फ्रॉम 1 टू n प्लस b समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू n. सो दिस इज n, n n कैंसल्स आउट. You're left with a into what is this, x bar plus b. So you have relationship between mean or average or arithmetic mean of capital X and capital Y. तो ये है arithmetic mean के बीच में ये relation है. अगर मैं variance की बात करूँ, variance of y ये होता है 1 by n summation yi minus y bar का whole square where i varies from 1 to n. तो ये होगा summation yi is what, axi plus b minus y bar is ax bar plus b का होल स्क्वायर. प्लस b माइनस b कैंसल्स आउट, a कॉमन है स्क्वायर के साथ बाहर निकलेगा, आएगा a स्क्वायर. अंदर क्या बचा, 1 by n समेशन i वेरिंग फ्रॉम 1 टू n axi माइनस और आई शुड से xi माइनस x बार का होल स्क्वायर. एंड दिस इज नथिंग बट वेरियंस ऑफ
तो आपको मिला है वेरियंस ऑफ वाई इज ए स्क्वायर टाइम्स वेरियंस ऑफ एक्स. वेरियंस ऑफ वाई इज ए स्क्वायर टाइम्स वेरियंस ऑफ कैपिटल एक्स. इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वेरिएबल कैपिटल एक्स इज सिग्मा, देन द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वेरिएबल ए एक्स प्लस बी होल अपॉन सी विल बी वॉट. अब जैसे कि हमने अभी इसी क्वेश्चन में जो आर्ग्यूमेंट देखी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, उससे हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसको y ले लूँ तो कैपिटल y क्या हो जाएगा और y बार क्या हो जाएगा, ए एक्स बार प्लस बी बाय सी. एंड ऑब्वियसली यहाँ पे y i किसके बराबर है, ए एक्स आई प्लस बी बाय सी बाय सी फॉर ऑल i वेरिंग फ्रॉम 1 टू n. मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में बताना है. अगर मैं वेरिएंस ऑफ y कंसिडर करूँ तो वो आएगा 1 बाय n समेशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर i गोइंग फ्रॉम 1 टू n. ये बन जाएगा वाई आई इज वॉट, ए बाय सी एक्स आई प्लस बी बाय सी एंड वाई बार इज ए बाय सी एक्स बार एंड देन बी बाय सी इसका होल स्क्वायर. सो माइनस बी बाय सी प्लस बी बाय सी कैंसल्स आउट. ए बाय सी कॉमन निकलेगा स्क्वायर के साथ, आएगा ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. इन साइड यू विल हैव समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू एन, दिस इज 1 बाय एन आउटसाइड एंड देन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. अगेन यू हैव ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, दिस इज वेरियंस ऑफ एक्स, राइट? ओके, सो वेरियंस ऑफ वाई को अगर मैं सिग्मा वाई से डिनोट करूं, सिग्मा वाई का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर टाइम्स सिग्मा इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस विल बी द स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसको मैं सिग्मा वाई से डिनोट करूंगी, इट विल बी इक्वल टू, दिस इज ए बाय सी नॉट बी, मॉड ऑफ ए बाय सी सिग्मा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज सिग्मा स्क्वायर बिकॉज दिस इज वेरियंस, सो स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी जस्ट सिग्मा. सो यू हैव रिलेशनशिप बिटवीन देम इज mod of a by c sigma. The standard deviation of variable y is mod of a by c standard deviation of variable x, which is denoted by sigma. अब mean square deviation के बारे में बात की गई है, उसकी definition आपको already दी हुई है. Let's try to see it. The mean square deviation of a set of n observations x1, x2, x3 up till xn about a point c is defined like this. तो मीन स्क्वायर डिविएशन अबाउट माइनस टू एंड अबाउट टू आर रिस्पेक्टिवली गिवन टू बी 18 एंड 10, देन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दिस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज व्हाट? व्हाट इज मीन स्क्वायर डिविएशन अबाउट माइनस टू? इट विल बी 1 बाय एन समेशन एक्स आई माइनस माइनस टू आई गोइंग फ्रॉम 1 टू एन एंड इसका होल स्क्वायर. दिस इज गिवन टू बी 18, सो दिस विल बी 18 एन एंड आई एम गिवन 1 बाय एन समेशन एक्स आई माइनस टू का होल स्क्वायर आई गोइंग फ्रॉम 1 टू एन इज 10, सो दिस विल बी 10 एन. ठीक, अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू एन एक्स आई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 एक्स आई प्लस एक्स आई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 एक्स आई, राइट? दिस इज 28 एन. सो माइनस फोर एक्स आई प्लस फोर एक्स आई कैंसल्स आउट. एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर टू एक्स आई स्क्वायर. फोर प्लस फोर इज टू टाइम्स फोर, सो टू कम्स आउट कॉमन गोज ओवर देयर. यू लेफ्ट विद एक्स आई स्क्वायर प्लस फोर समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू एन, राइट? दिस इज इक्वल टू 14 एन. समेशन डिस्ट्रीब्यूट करोगे क्या आएगा, समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू एन एक्स आई स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू एन, मतलब 4n. 14n माइनस 4n गिव्स यू 10n. अब एक काम करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 एक्स आई माइनस एक्स आई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 एक्स आई. दिस विल बी 18 माइनस 10 विच इज 18. सो दिस कैंसल्स 4 एक्स आई प्लस 4 एक्स आई इज 8 एक्स आई. 8 गोज देयर, सो यू आर जस्ट लेफ्ट विद समेशन एक्स आई I going from 1 to n gives you n. ठीक, अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरियंस, वेरियंस इज 1 बाय n समेशन एक्स आई स्क्वायर आई गोइंग फ्रॉम 1 टू n माइनस समेशन एक्स आई बाय n
का होल स्क्वायर. व्हाट इज समेशन xi स्क्वायर? इट इज 10n. सो दिस इज 10n अपॉन n व्हिच इज 10 एंड समेशन xi इज n, n अपॉन n इज 1. राइट, 1 स्क्वायर इज ऑब्वियसली 1. सो यू हैव अंडर रूट 9, सो 3 इज योर स्टैंडर्ड डिविएशन. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. ओके, देन यू हैव इन एन एक्सपेरिमेंट विथ 15 ऑब्जर्वेशंस द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर अवेलेबल. ओके, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस फॉलोइंग रिजल्ट्स आर अवेलेबल. लेट्स ट्राई टू लुक एट द रिजल्ट्स. समेशन एक्स स्क्वायर इज दिस एंड समेशन एक्स इज दिस. वन ऑब्जर्वेशन 20 वॉज फाउंड रॉन्ग एंड वॉज रिप्लेस्ड बाय द करेक्ट वैल्यू 30. तो ये क्या किया है, पूरी 15 ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर्स को ऐड किया है. तो पूरी 15 ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर्स को ऐड किया है, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन गलत है 20, तो 20 स्क्वायर इस सम में से माइनस हो जाएगा. ठीक है, 20 स्क्वायर माइनस हो जाएगा और करेक्ट ऑब्जर्वेशन जो 30 है उसका स्क्वायर ऐड हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर व्हिच कम्स आउट टू बी 3330. और अगर मैं सारी वैल्यूज के सम की बात करूं तो सारी वैल्यूज का सम, 15 वैल्यूज का सम 170 था, उसमें से एक गलत थी 20, तो 170 में से 20 जाएगा और 30 ऐड हो जाएगा. दिस विल गिव यू 180. ओके, हमें बात करनी है करेक्ट वेरिएंस की. वेरिएंस इज 1/n समेशन xi स्क्वायर माइनस समेशन xi होल अपॉन एन होल स्क्वायर. सो दिस इज 3330 अपॉन 15 माइनस 180 अपॉन 15 का होल स्क्वायर. क्लियर इनफ? एंड दिस कम्स आउट टू बी योर 78 एज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, द मीन ऑफ दिस दीज नंबर्स इज 6 एंड वेरियंस इज 6.80. In which of the following gives the possible values of a and b? ध्यान से देखो, अगर mean इसका 6 है, that means a plus b plus 8 plus 5 plus 10 upon 5 is 6. इसको resolve करेंगे, आपके पास आएगा a plus b is 7 and variance is given as 6.80, मतलब a square plus b square plus 8 square plus 5 square plus 10 square upon 5 माइनस मीन का स्क्वायर. मीन तो 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस किया तो आया 6.80. इसको रिजॉल्व करेंगे, आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 25. इन दोनों को रिजॉल्व करने से ए और बी की वैल्यू पता चल जाएगी, बट ऑफ कोर्स हमें रैंडमली डायरेक्शन में मूव नहीं करना. हमारे पास ऑलरेडी 4 वैल्यूज हैं ए बी की, जो भी इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगी वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है. एंड यू विल फाइंड आउट ए इक्वल्स टू 3, बी इक्वल्स टू 4 सेटिस्फाइज दिस ऑल्सो एंड सेटिस्फाइज दिस ऑल्सो. ओके, if the variance of this data is 23.33, then the variance of this data will be what? अब रिलेशन देखो दोनों डेटा में. अगर मैं कैपिटल एक्स को रैंडम वेरिएबल मानती हूँ जो वैल्यूज ले रहा है 2, 4, 6, 2, 4, 5, 6, 8 and 17, तो ये बहुत ही क्लियर है कि ट्वाइस ऑफ एक्स क्या वैल्यू लेगा, 2 × 2, 4, 2 × 4, 8, 2 × 5, 10, 2 × 6, 12, 2 × 8, 16. And this is 34, which are written over here. ठीक, तो क्या होगा variance of 2x? अगर ये पता है तो सब पता है. It is 2 square times variance of x, which is 2 square times variance of capital X दिया हुआ है 23.33, and this comes out to be 93.32. This is the variance of 4, 8, 10, 12, 16, 34 data. Okay, सिर्फ एक रिलेशन पता होना चाहिए था, variance of 2x is 2 square times variance of x. If the mean deviation about median of these numbers is 50, तो mod a की वैल्यू फाइंड करनी है. सबसे पहले तो इसका मीडियन फाइंड करते हैं. ये 50 ऑब्जर्वेशन है, इवन नंबर. ओके, सो n by 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का एवरेज मुझे देगा मीडियन. सो 50 by 2th ऑब्जर्वेशन मतलब 25th ऑब्जर्वेशन प्लस 26th ऑब्जर्वेशन by 2 होगा मेरा मीडियन. 25th observation will be 25A and this will be 26A upon 2. So this will be 51 by 2A. Right? So it is 25.5A. So mean deviation about median kaise nikale?
दिस इज मॉड ऑफ ए माइनस द मीन विच इज 25.5 ए प्लस एंड देन यू हैव 2a एज द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन माइनस 25.5 ए प्लस एंड सो ऑन मॉड ऑफ 50a माइनस 25.5 ए होल अपॉन हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन आर देयर 50 ओके और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन दिया ही हुआ है एज 50 इज इट क्लियर दैट मीन्स व्हाट हैपेंस अब जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगी आप क्लियरली देख सकते हैं हर जगह से मॉड ए मॉड ए मॉड ए बाहर निकलेगा सो इवेंचुअली सिर्फ एक ही अननोन रहेगा मॉड ए जिसके टर्म्स में आपके पास इक्वेशन बनेगी एंड यू विल गेट मॉड ए इक्वल टू 4 सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ योर मॉड ए इज इक्वल टू 4 एंड दैट कंप्लीट्स द डिस्कशन ओवर द क्वेश्चंस रिवाइज देम नाइसली थैंक यू